मैनुअल की क्यों है, ऑटोमेटिक की कहाँ है? ऑटोमेटिक अभी लॉन्च नहीं कर रही कंपनी. दिस इज अ वेरी 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 सैड न्यूज ऑनेस्टली बिकॉज. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड. माय नेम इज ऋषभ एंड टुडे वी हैव द किया सोनेट प्राइसेस विद अस. फाइनली 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 गाड़ी की प्राइसिंग सामने आ गई है. कुछ चीज़ों से मैं खुश हूँ, कुछ चीज़ों से मैं निराश हूँ. आज की इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूँगा कि किस वेरिएंट की क्या प्राइस है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, और कौन सा वेरिएंट आखिरकार आपको लेना चाहिए. आपके साथ पहली बता दूं कि ये सारी जो प्राइसिंग है ये एक्स शोरूम इंडिया है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं ऑन रोड प्राइसेस के आपके सिटी में एग्जैक्ट प्राइसेस की क्या पड़ेगी टैक्सीज के साथ, तो डोंट यू वरी, द कार गाइड डॉट इन डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां जाकर किया सोनेट की आप ऑन रोड प्राइसेस चेक कर सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के साथ. तो HCE वेरिएंट, जिसका हमें पता था कि 6.5 लाख के आसपास शुरू होगा, तो पेट्रोल वाला जो है वो शुरू होता है 6.7 लाख की तरफ से. और बता दूं कि ये किया कंपनी कहती है कि इंट्रोडक्टरी प्राइस, यानी कि 1-2 महीने तक इसे इंक्रीज़ कर दिया जाएगा. आई थिंक जनवरी में इंक्रीज़ करेंगे जैसे सेल्टोस के साथ किया गया था. और आपको बताना चाहूँगा कि बेस मॉडल्स के दोनों प्राइस डीजल के भी यहाँ पर लिख देता हूँ. मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफकोर्स ये 1.2 वाला इंजन है, हालांकि मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता कि सोनेट का वो 1.2 पेट्रोल ले. वेन्यू में हम इसको ड्राइव करके देख चुके हैं, बहुत अंडर पावर्ड एंड ओवर प्राइज्ड है, मेरी सजेशन नहीं होगी तो मत लेना. इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ HTK वेरिएंट, वही 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन 7.59, थोड़ा ज़्यादा है. एंड रही बात डीजल वाले की तो 8.99. अब मैं साथ में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर फीचर्स कौन से आते हैं. HTE वाले फीचर्स देख लो, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता, खाली गाड़ी है, बेसिक चीज़ें मिलेंगी. बट वही बात आई थी कि मैं रेकमेंड किसी को नहीं करता. HTK के जो वेरिएंट्स की फीचर्स लिस्ट है यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए. और उसके साथ साथ अब बात करते हैं HTK प्लस की, तो 8.45 लाख 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला, वो भी मैं 1.2 इंजन है, रेकमेंड नहीं करूँगा. लेना है तो इसका 9.49 वाला, यानी कि 1 लाख महंगा टर्बो चार्ज इंजन वाला लेना है. इसी में DCT लेना चाहते हैं तो फिर 1 लाख और हो जाएगा, 1049. इस तरह डीजल वाला है वो है 9.49 का, विच इज़ ऑल्सो गुड. अब क्या है कि जो डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन है और पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन है, उनका प्राइस सेम आया, यानी कि 9.49. तो चुपचाप डीजल लेना अगर आप दिल्ली NCR से, चाहे रनिंग भी आपकी कम होना तब भी डीजल लेना, आपको बेटर रहेगा. पावर्स भी अच्छी मिल जाती हैं और उसमें साथ साथ आपको अच्छी माइलेज तो मिलेगी ही मिलेगी. तो मैनुअल ले रहे हो तो डीजल लेना, पेट्रोल मत लेना, मान लो मेरी बात. हाँ, अगर आप दिल्ली NCR एरिया में से हो तब आप डेफिनेटली 6 स्पीड IMT ले सकते हो. अब IMT का बेनिफिट आपको वो क्लचलेस ट्रांसमिशन वाला मिलेगा जो डीजल में नहीं मिलेगा, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रख लें. बट मैं डीजल की तरफ ही प्रेफर करूँगा, मतलब IMT इतना बड़ा वो नहीं है जितना डीजल की माइलेज इंपॉर्टेंट हो जाती है. अगर दिल्ली NCR से होंगे तो आपके लिए IMT बढ़िया रहेगा, DCT पे 1 लाख एक्स्ट्रा मत लगाना. उसके अलावा डीजल ऑटोमेटिक 10.39, तो ये प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लगी है. बट अगर आप ऑटोमेटिक्स की तरफ ही जा रहे हैं तो HTK प्लस में, तो डीजल लेना, DCT से बेटर आपको ऑप्शन मिलेगी. ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट वेरिएंट HTX, जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे लगा बिकॉज 9.99 लाख पर है. और 50,000 की इंक्रीज पर HTK प्लस और HTX में बहुत ज़्यादा फीचर्स का फ़र्क आ जाता है, तो दिस इज़ अ रियली रियली गुड वेरिएंट. HTX आई थिंक सबसे ज़्यादा सेल होगा, चाहे वो डीजल मैनुअल हो चाहे वो पेट्रोल IMT हो. सेम गोज इसमें भी, वही कहूँगा कि अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, थोड़ी सी भी ज़्यादा है, 500, 600, 700 किलोमीटर्स भी है, तो डीजल मैनुअल एक बेटर ऑप्शन है IMT के कंपैरेटिवली. हाँ, अगर इससे भी ज़्यादा रनिंग आपकी चली जाती है, सीट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ऑटोमेटिक वाली साइड आपको अच्छी लगती है, तो IMT ले सकते हो फॉर दिल्ली NCR. बट आई थिंक डीजल ऑप्शन वुड बी अ बेटर पिक. HTX के फीचर्स यहाँ पर आपके लिए लगा देता हूँ. याद है ना, ऑन रोड प्राइस चेक करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, द कार गाइड डॉट इन. HTX प्लस में अगर आप देखना चाहते हैं तो 11.65 दोनों की प्राइस आपको मिलेगी, डीजल मैनुअल और पेट्रोल IMT वाली की. तो यहाँ पर भी प्राइस क्योंकि सेम है, वही बात आ जाती है कि अगर तो ज़्यादा आपकी बहुत ज़्यादा वाली रनिंग है हाईवे वगैरह वाली, तो डीजल ही प्रेफर करें. सिटी में चलाना है बहुत कम तो आप IMT वाली तरफ जा सकते हैं, थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो डीजल वाली तरफ. अभी IMT का ज़रूर ध्यान रख लें क्योंकि पेट्रोल और डीजल में 0 का गैप आया है, 0, कोई भी प्राइस का फ़र्क नहीं है. गोइंग फॉर द GTX प्लस वेरिएंट, अब यहाँ पर मैं निराश हूँ, देख रहे हैं कि सिर्फ मैनुअल की प्राइस है यहाँ पर. मैनुअल की क्यों है, ऑटोमेटिक की कहाँ है? ऑटोमेटिक अभी लॉन्च नहीं कर रही कंपनी. दिस इज़ अ वेरी 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 सैड न्यूज़ ऑनेस्टली, बिकॉज सबसे ज़्यादा बुकिंग्स अगर किया सोनेट की हुई है तो वो उसी की टॉप वेरिएंट की हुई है, GTX प्लस ऑटोमेटिक्स की, चाहे वो डीजल हो चाहे वो 7 DCT हो. 25,000 से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है, ऑन अ डे एवरेज 1,000 बुकिंग्स इसकी हो रही हैं, बट अगेन ऑटोमेटिक नहीं है. मैनुअल्स 11.99 फॉर दी बोथ, मतलब IMT एंड द डीजल सेम, यहाँ पर भी क्योंकि प्राइस सेम है तो रनिंग बहुत 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 कम है,
तब आप IMT लें, थोड़ी सी ज़्यादा आपकी ट्रैफिक वाली हो जाती है, दिल्ली NCR वाले एरिया है, पेट्रोल की रिफाइनमेंट अच्छी लगती है तो IMT, रनिंग अगर ज़्यादा है हाईवे वगैरह वाली तो डीजल ही लेना, सिटी में भी अगर रनिंग बहुत ज़्यादा है आपको मैनुअल से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो डीजल वुड बी अ बेटर ऑप्शन हेयर, अगर टैक्सेशन का कोई इशू आपको नहीं है तो। ऑटोमेटिक्स की प्राइस ऑफ कोर्स, क्योंकि सारे वेरिएंट्स में 1-1 लाख उन्होंने एडिशनल किया है, चाहे वो ऑटोमेटिक 7 DCT हो, चाहे वो टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक हो, तो ऑफ कोर्स 12.99 लाख वुड बी द प्राइस फॉर द 7 DCT GTX प्लस एंड द डीजल ऑटोमेटिक GTX प्लस जब भी लॉन्च होगी, एंड आई थिंक 15-20 दिन तक लॉन्च हो जाए तो बेस्ट है, इससे ज़्यादा डिले करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट द Kia Sonet, मेरी तरफ से प्राइस ठीक है, थोड़ी और मतलब बेस मॉडल्स की कम होती है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, टॉप का ये प्राइस ठीक है बिकॉज फीचर्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, बोस के स्पीकर्स, वेंटिलेटेड सीट्स ऑफकोर्स, तो ये सारे फीचर्स एक एडिशनल रहते हैं इस प्राइस में, बढ़िया है नो डाउट। रही बात इसके बेस वेरिएंट्स की, वहाँ मुझे लगता है कि क्योंकि एक छोटा इंजन, मतलब नॉट लाइक साइज वाला छोटा, पावर वाली साइज से 1.2 एक इतना वर्दी इंजन नहीं है इस प्राइस के हिसाब से, जस्टिफाई नहीं करता प्राइस को, या तो इसमें फीचर्स देते इसी वेरिएंट में HTE HTK में, या फिर इसकी प्राइस कम कर देते तो वो एक बेटर ऑप्शन रहती है। अब देख सकते हैं कि नेक्सॉन सेम प्राइस बट टर्बो चार्ज इंजन और बेटर फीचर्स, तो यू नो थोड़ा सा उधर पर्सन डाइवर्ट हो ही जाता है। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट द Kia Sonet ओवरव्यू, प्राइस ओपिनियन मेरी तरफ से। आप बताएं आपको Kia Sonet की प्राइस कैसी लगी, नीचे कमेंट जरूर करते हैं और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे जरूर चेकआउट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।